नमस्कार सभी को। हम इस वीडियो में आपको लड्डू गोपाल जी से संबंधित बातें बता रहे हैं। यदि आप लड्डू गोपाल लाए हैं तो इन नियमों का पालन करें। आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े कई नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पांच नियमों के बारे में, जो घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। पहला नियम है, नियमित स्नान कराएं, हर दिन वस्त्र बदलें। अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में ये भाव पैदा कर लेना चाहिए कि अब यह घर आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह लड्डू गोपाल जी भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराएं, रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के बाकी सदस्य करते हैं, क्योंकि वह भी आपके घर के सदस्य हैं। दूसरा नियम है, समझें सबसे प्यारा और राजदुलारा सदस्य। अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या अन्य चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी का भोग जरूर लगाएं। उन्हें घर में सबसे प्यारा और राजदुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुओं से पहले उन्हें भोग लगाएं। तीसरा नियम है, संध्या आरती करें और झूला झुलाएं। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से संध्या आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल जी को देकर जाएं और प्रार्थना जरूर करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करना। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोजाना उनका भोग और पूजा कर सके और उनका ध्यान रख सके। नंबर चार जो नियम है, खिलौने भी लाएं उनके लिए। जब भी हम कहीं बाजार जाते हैं तो घर के बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं, उसी प्रकार जब आप बाजार जाएं तो अपने बच्चों के लिए जैसे खिलौने लाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएं और समय निकालकर स्वयं भी उनके साथ में खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेकर जाएं। और पाँचवा नियम है, दिन में चार बार भोग लगाएं। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन, फिर शाम को जलपान और फिर रात में भोजन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम चार बार भोग लगाना जरूरी है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना पिलाना जरूरी होता है। धन्यवाद।